पसीना बहेगा फिर भी बैठे रहेंगे। दैट्स कॉल्ड डुप्लीकेशन। यही हमें मार्केट के अंदर करना है। और आप सभी को बता दें, हम गर्मी लगेगा कुछ समय, डीएक्सएन को अगर आप देखें, डीएक्सएन कितना साल का हो गया, कितना साल का, हमारा उम्र 30 साल नहीं है, यानी मेरा पैदा होने पहले डीएक्सएन का जन्म हुआ और हम अभी कुछ शहर कुछ देश घूमे हैं, लेकिन डीएक्सएन ने 200 से ज़्यादा देशों में गया है। तो आज अगर डीएक्सएन 200 से ज़्यादा देशों में हमारा डीएक्सएन के प्रोडक्ट यूज किया जाता है, तो आने वाले समय में हम भी दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं होगा जहां हम नहीं होंगे। तो आज हमारे साथ 2 घंटा समय देंगे आप सभी लोग। पसीना पसीना है, पानी गिराया है या अपने से निकला है, अपने से निकला है, तब तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, हमें भी गर्मी लगेगा तो चलेगा। तो अच्छा, आप लोग बताइए, कितने लोग ऐसे हैं जो हमें किसी ना किसी माध्यम से, चाहे मीटिंग में, चाहे सेमिनार में, चाहे ऑनलाइन, चाहे जूम मीटिंग में, चाहे यूट्यूब पे, कितना लोग हमें उस कहीं ना कहीं से जानते हैं, हाथ उठाइए। तो फिर बचा कौन, सब जानते ही हैं। तो आप सभी के लिए जोरदार तालियां। तुम जानते ही हैं तो फिर दोबारा क्यों टिकट खरीदे, क्या सीखने के लिए, कौन सा ज्ञान, क्या है डीएक्सएन का ज्ञान, स्वस्थ रहने के लिए क्या करिएगा, स्वस्थ रहकर जिंदगी जीकर क्या करिएगा, बड़ा कर क्या करेंगे, अच्छा जिंदगी जी करके क्या करेंगे। अच्छा, आप लोग डीएक्सएन में आए क्यों हैं, बता सकते हैं, आप डीएक्सएन में क्यों आए, स्वस्थ के लिए, चलिए आपको हम स्वस्थ दे देते हैं, घर जाइए। और कुछ चाहिए, क्या चाहिए, धन दे दिए 2 करोड़, चलिए मान सम्मान दे दिए, और क्या, वो भी दे दिए, और क्या चाहिए, ज्ञान, ज्ञान भी मिल गया, और क्या चाहिए, आप लोगों को वैसे किसी को चाहत है, किसको किसको कुछ ना कुछ चाहत है, इतना लोगों को चाहत है, सपना है, सपना है, सपना है, कौन सा सपना, सपना चाहिए है? किनको, कोई बता सकते हैं कि हमारे पास ये सपना है, हाथ उठाइए, हाँ खड़ा हो जाइए, माइक है कोई एक्स्ट्रा माइक, पूछेंगे, इनको सपना है, चाहत है, क्या क्या सपना है बताइए, पहले उनको दीजिए, बाद में आपका नंबर है, बताइए क्या क्या सपना है। सर, सपना है आपको तरह बनना, मेरे जैसा बनना, सबके जैसा बनिएगा लेकिन मेरे जैसा मत बनिएगा। हमको आपको जैसा बनना, मेरे जैसा बनने के लिए आपको 3 लाख से महीना कमाने के बावजूद भी पसीना बहाना पड़ेगा, बहाएंगे, मेरे जैसा बन गया, और क्या चाहिए, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं चाहिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए, परिवार स्वस्थ है, हम स्वस्थ है, पैसा की आजादी है, खुशी है, और क्या चाहिए, और कुछ नहीं, हमारे क्या चाहिए, विदेश घूमने की यात्रा, विदेश घुमा दिए, चलिए, और
कार चाहिए और कार चाहिए और विदेश घूमना है। चलिए ठीक है, बेटा को सरकारी स्कूल में नाम लिखा दिए, चलेगा? तो क्या चाहिए? इसमें डिरेक्शन का भी इसको नॉलेज होना चाहिए। कौन सा स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं? प्राइवेट। कौन सा प्राइवेट स्कूल? बहुत सारे प्राइवेट स्कूल है ना। और तेरा? हम उसके बारे में जानते हैं पर जान जाएंगे धीरे धीरे। जानिए ना, कौन सा स्कूल जो बढ़िया हो? विदेश में पढ़ाना चाहते हैं? नहीं पढ़ा। और क्या चाहिए? विदेश भेज दिए, पता नहीं है, सिर्फ चाहिए, क्या क्या चाहिए पता नहीं। धीरे धीरे जान जाएंगे ना। धीरे धीरे हम भी समझ। आपको एकदम भगवान आ गए, प्रकट हो गए हैं। आपको बोला गया जो मांगे मिलेगा, मांग लीजिए जो मांगना। मांगिए क्या क्या चाहिए बोले ना। हमको डिरेक्शन मिल गया, उसमें ही जॉब मिल गया, और कुछ नहीं चाहिए। फर्स्ट बार तो बोलिए देखिए आपको तरह बनना, मेरे जैसा बनना, ठीक है। और कुछ आपको पता है? मैंने 2 करोड़ डिएक्शन में 7 साल में कमाया। आप 7 साल में 2 करोड़ कमाना चाहते हैं? पसीना बहाएंगे तो काहे नहीं कमाएंगे। 7 साल में? यस सर। तो फिर फायदा क्या हुआ? कुछ हुआ मेरे टाइम में जमीन थोड़ा उबड़ खबड़ था, कितने लोग मीटिंग में नहीं आता था। मीटिंग बुलाते थे 10 बजे आने के बाद बीच का सीट मिलता था, अभी 9 बजे आने के बाद जमीन मिल जाए काफी है। पहले 2 लाइन था, अब 6 लाइन है। खाली गाड़ी चलाने आना चाहिए, स्पीड अपने पकड़ लेता है। अगर आप अभी ज्वाइन करके भी मेरे जैसा 7 साल में 2 करोड़ कमाना चाहता है, आप गलत जगह पे आ गए। ऐसा बात नहीं है सर, 10 साल भी लगेगा ना तो कर सकते हैं। आप 7 साल हमें लगा जी। आपको तो ये सोच रहना चाहिए मैं 3 साल में आपके जैसा बनना है, आपसे ऊपर बनना है। जो कोई काम कर लिया ना, उस काम को करने में मजा नहीं आता है सर। आता है मजा? नहीं आता। जब तक कुछ अलग नहीं के, तब तक आपको नाम आने वाला। मैंने जब डीएक्शन माया 2015 में, मैंने जब इंजीनियरिंग को छोड़ा, लोगों ने पागल बोला, लोगों ने फालतू का काम बोला, जो क्या क्या नहीं बोला मेरे घर वाले ने, परिवार वाले ने, दोस्तों ने, लेकिन मैंने डीएक्शन को बारीकी से देखा था। इसी के लिए मैंने इंजीनियरिंग को छोड़ा, उसके बाद डीएक्शन को आया, मैंने काम करना शुरू किया। 18 साल कंप्लीट होने के बाद 19 साल में मेरी डीएक्शन में एंट्री हुआ और 19वें साल में मैंने डीएक्शन को ज्वाइन किया। लोग बहुत बुरा भला कहा, मेरे घर के लोग, परिवार के लोगों ने, फिर मैंने, लेकिन यही मेरे अंदर एक खासियत है, मैंने आज तक जो भी सोचा, मैंने पक्ष में के थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें, मेरे पिताजी एक छोटा सा अपना एजुकेशन कंप्लीट करके नौकरियां नहीं मिलने के कारण वो कंपाउंडर के यहाँ काम करते थे 7-8 साल प्रैक्टिस के। कंपाउंडर जानते हैं? yes. सुई इंजेक्शन सलाइन डालने वाला। yes. फिर वो भी नहीं चला तो गांव में इलाज करने लग गए, वो भी नहीं चला तो बंद करके खेतीबाड़ी में लग गए। मेरे पिताजी का बहुत के कारण मेरी पढ़ाई पहला से 5वां तक की पढ़ाई गांव का सरकारी स्कूल में हुआ। 6ठी क्लास से एकेडमी में गए, उसके बाद हम शहर की ओर बाय शहर की ओर आए, फिर मैंने इंजीनियरिंग परीक्षा पास किया। तो ये मेरा छोटा मोटा ये इंट्रो है। और अचानक जब मैं डीएक्शन आया हेल्थ इशू के कारण, मैंने डीएक्शन को कैरियर के रूप में, प्रोडक्ट को यूज करने के बाद अच्छा लगा। अभी दीजिए दीजिए, खत्म नहीं हुआ। फिर आज हम आपके सामने हैं। चलिए और क्या क्या चाहिए? धीरे धीरे जानेंगे, उसके बाद भी बताएंगे। अभी हम अभी जान रहे हैं। कितना दिन हो गया? 2-3 महीना। 2-3 महीना हो गया। अभी क्या क्या मिल गया? अभी ज़्यादा कुछ नहीं मिला है। कितना मिला? क्या क्या बोनस? हाँ, फर्स्ट महीने का मेरा है 467.55। ठीक है। फिर 10 तारीख का पहला महीने का 467। मेरा पहले महीने का 272। ये हमसे डबल है ना लगभग, फिर भी आप 7 साल में ही बनना चाहते हैं?
जल्दी हो जाएगा तो और बेहतर है ना, और जल्दी कर लेगा, मेहनत करेंगे तो होगा ना। आ मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कुछ नहीं कर रहे हैं लोगों से बात, बस वही तो कर रहे हैं। आ वही तो कर रहे हैं, मुंह में जो हटाना है। आप क्या क्या चाहिए, और किसी को कोई सपना है, एनीबॉडी एल्स? हाँ दीजिए, थोड़ा आपको हम बीच में जमा कर रखें जिससे आपकी गर्मी और मेरा गर्मी थोड़ा मैच करे। हेलो, हमको स्वास्थ्य चाहिए सर। ठीक है, और चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए, स्वास्थ्य है। ये सर ठीक है, कपड़ा खरीदना, शर्ट पैंट खरीदना है, स्वास्थ्य आ जाएगा। ये सर स्वस्थ रहेंगे कि तो दुनिया का कोई चीज प्राप्त कर सकते हैं। हाँ स्वस्थ रहेंगे तो दुनिया का कोई चीज प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, आप जाइए यहाँ से उधर लेबर चौक के पास, उसके पास कोई रोग नहीं है। यस, डेली सवेरे आता है, किसी का इंतजार करता है, कोई आएगा कोई नहीं लेने आता, वापस घर चल जाता है। नहीं सर, कोई बता ये नहीं सकता है कि इंसान कोई स्वस्थ है। हेलो, हेलो हेलो, जी सुनिए, स्वस्थ चाहिए। यस सर, पैसा नहीं चाहिए? नहीं सर। हाँ नहीं सर, पैसा नहीं चाहिए, चाहिए स्वास्थ्य के साथ साथ पैसा भी चाहिए। हाँ स्वास्थ्य के साथ साथ पैसा भी चाहिए, दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो स्वास्थ्य के साथ साथ पैसा देता है। नहीं तो स्वस्थ रहेंगे तो जरूर पैसा। स्वस्थ रहना इतना आसान नहीं है। यस सर। हाँ स्वस्थ रहने के लिए भी, स्वस्थ रहने के लिए भी पैसा चाहिए। तो स्वस्थ रहेंगे तो पैसा आएगा सर, स्वस्थ रखने के लिए भी पैसा चाहिए, और जब तक स्वस्थ रहेंगे नहीं तब तक आएगा भी नहीं। तो वहीं तो सीखने के लिए आए हैं सर, तो पहले पैसा चाहिए। स्वस्थ स्वस्थ रहने के लिए पैसा, अब बोल रहे स्वस्थ चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। आप गैनोड्रामा कब तक खा पाएंगे? एक बार 10 दिन आप इसको खा लिए, 10 महीना ठीक हो गए। आपको बीमारी से बचने के लिए ये खाना और पीना पड़ेगा, इसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए सर। कहाँ से आएगा पैसा? आएगा, स्वस्थ रहेंगे तो लोगों को स्वस्थ बनाएंगे। हाँ और स्वस्थ बनाएंगे तो पैसा आएगा। डॉक्टर हैं? नहीं सर। तब फिर कैसे बना दीजिएगा? लोगों को भलाई करेंगे, भलाई करने से स्वस्थ बन जाता है। यस सर। तो डॉक्टर के पास कोई जाए ही? डॉक्टर तो इलाज कराते हैं सर। हाँ तो कोई इलाज कराने का ही जरूरत नहीं पड़ेगा, मदद कर देंगे, दुआ कर दें भगवान इनको कोई रोग ना हो। ये शरीर जो है एक दुख और सुख भोगने का माध्यम है। बीमारी तो आईबे करेगा सर, बीमारी तो आईबे करेगा। पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि शरीर? शरीर। हाँ शरीर, शरीर शरीर सही हो गया उसके बाद, शरीर सही हो गया तो उसके बाद तो धन कहीं से कमा सकते हैं, कहीं ना कहीं से चोरी करके भी कमा सकते हैं। नहीं चोरी करेंगे नहीं। जिंदगी जीने के लिए आपको क्या लगता है? बहुत सारे ऐसे आदमी है जिससे शरीर में कोई रोग नहीं है, उसका बेटा मालूम है गांव का सरकारी स्कूल में पढ़ता है, स्वस्थ तो है, प्राइवेट में क्यों नहीं पढ़ा लेता? उसे घर में रोग नहीं है, कोई पता नहीं है, उसका बेटा कहाँ पढ़ने जा रहा है? सरकारी स्कूल में। पैसा रहेगा कोई भी अपना बेटा को सरकारी स्कूल भेजेगा? भेज क्यों रहा? बेरोजगारी के कारण। तो शरीर हमारे लिए जितना इम्पोर्टेंट है ना, उतना इम्पोर्टेंट हमारे लिए पैसा है। आपकी जानिए, पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है। आप बोले हमें स्वस्थ दे दो, दे दिया, कितना ऐसे लोग मिलेंगे आपको, उसके शरीर में सीटी स्कैन, ब्लड टेस्ट, खून टेस्ट कराता है, कोई भी रोग नहीं मिलता है। उसका बेटा कहाँ पढ़ रहा है? सरकारी स्कूल में।
स्वस्थ तो है। अगैस कब्जियत को कोई रोगी नहीं मानता है, ये ध्यान में रखिए। और जल्दी किसी को डायरेक्ट रोग होता नहीं है, पहले गैस कब्जियत सुस्ती कमजोरी कमर दर्द सर दर्द ये दर्द होता है, तब जाकर के हमारा प्रॉब्लम आता है। आपको क्या क्या चाहते, जीवन में क्या क्या चाहते हैं? स्वस्थ धन और खुशियां चाहिए सर, और कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, स्वस्थ चाहिए और धन चाहिए और खुशियां चाहिए। खुशियां चाहिए कब तक? जब तक ये धरती पर जिंदगी रहेगा तब तक। मरने के बाद नहीं? मरने के बाद कौन जानता है सर, हम तो 190,000 लोगों को टीम खड़ा कर दिए 24 देशों में, मेरे मरने के बाद भी मेरे परिवार को कभी भी किसी के हाथ पसारने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एग्रीमेंट कराना होगा तो करवा लीजिएगा, अगर पैसा की कमी हो गया तो मेरा जो बाप दादा का जो खेत घर है सब ले लेना है आपको, एग्रीमेंट मार देंगे। जब तक शरीर काम करे तब तक पैसा, जब तक काम करे शरीर तब तक पैसा कमाए, तो फिर डीएक्शन में आने से क्या फायदा? ये ऐसा बिजनेस है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। जहाज पे चढ़ना चाहते हैं? यस सर। कितना बार? पता नहीं, उसका अनुमान नहीं लगा। अनुमान आप वही तो बता रहे हैं। 99% लोग ऐसे हैं जिसको पता नहीं है हमको क्या चाहिए। जब कोई भी बच्चा पहला क्लास में जाता है ना, तब तब्बे से होकर माए बाप बोलते रहता है बेटा बढ़िया से पढ़, अच्छा से पढ़े लिखेगा तो अच्छा नौकरी मिलेगा। और दिमाग में क्या अनुमान रहता है? नौकरी नौकरी। आप डीएक्शन में तो आ गए लेकिन आपको अनुमान ही नहीं है, तो कैसे आगे बढ़ पाएंगे? और सीखेंगे। हाँ, और सीखेंगे आपसे। सोच पहले बड़ा करिए। यस सर, जिंदगी ऐसे ही बदल जाएगी। नया आदमी कोई है? दीजिए माइक भाई साहब को। मीटिंग कम करेंगे आज, बात ज्यादा करेंगे। गडमाड़ी, सबसे पहले आपको तीन चीज चाहिए। सबसे पहले ट्रक बस टेम्पू, कौन सी तीन चीज? नहीं बताते हैं सर जी। पहला कि हम लोग को स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य चाहिए और स्वास्थ्य चाहिए, और उसके बाद सामाजिक पहचान भी चाहिए। क्या? जैसे में सामाजिक पहचान भी चाहिए। सामाजिक पहचान चाहिए, जैसे कि जिस समय पहले हम आए थे उस समय कुछ जानकारी मेरे पास नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे आपको क्या क्या चाहिए? बस यस, सबसे पहले इतना पास मेरे पास स्वस्थ हो जाए, उसके बाद धान जला ज़्यादा हो जाए, उसके बाद विदेश में अपना मकान भी होना चाहिए, उसके बाद देखा जाए तो मेरे थ्रू जितने लोग रहेंगे उसको हमरे जैसा बराबर होना चाहिए या हमसे भी ज़्यादा हो जाए और अच्छा रहेगा। और कुछ? और कुछ जो मेरा अपना बच्चा को सपना है कि बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटी है उसमें पढ़ाने का लक्ष्य है। और कुछ? और जो जो माता पिता को अभी नहीं देख पाए वो सब चीज़ हम दिखा सकते हैं। और तो सर अभी नहीं, इतना सर टोटल मेरा ही हो जाएगा। उसके बाद जैसे अभी महात्मा गांधी जी का नाम हो रहा, हम चले भी जाए तो मेरा नाम रोशन होना चाहिए। और कुछ? और इससे बड़ा क्या होता है सर जी, तो मेरा धरती पर यहाँ मिल जाएगा तो मेरा नाम जब रह जाएगा, इससे बड़ा कुछ नहीं। और कुछ नहीं सर जी। शादी हो गया कि नहीं? यस। पत्नी को 50,000 का साड़ी पहनाना नहीं चाहते? चाहते सर जी, तब तो बताए ना कि सबसे पहले अपना पूरा फैमिली स्वास्थ्य, उसके बाद पूरा विदेश जब जाएंगे तो साथ में लेके जाएंगे। अभी देखा जाए तो मलेशिया ट्रिप, मलेशिया जा भी रहे हैं, बढ़िया है, ठीक है, लेकिन साथों में जब लोगों जाएगा तब ज़्यादा खुशियाँ मिलेगा। हाँ जी, भेजा दीजिए। मालूम है? यस। जब घर जाइएगा ना जी, तो सबसे पहले पत्नी ही पूछेंगी कमाता कितना है। नहीं सर जी, घर तो हम छोड़ दिए, रहने घर छोड़ दिए, पत्नी और सपोर्ट भी दे रही है, घर पे है लेकिन सपोर्ट दे रही है। पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है बिजनेस में। यस, इसी के लिए हमें
हमें वो बनना है जी जो हमारे किसी खानदान में कोई नहीं बना। हम अपने खानदान के पहला करोड़पति होंगे। अभी तक सर रिकॉर्ड तो अभी तक रिकॉर्ड तो चुके हैं, अब आगे तक करना ही करना है। पूरा जिला भर में जी हमारा बेटा सबसे महंगा स्कूल में पढ़े। यस, आप ये सोच बहुत जरूरी है पढ़ाना। बिल्कुल सही। जब तक आप सोच के दायरे को नहीं बढ़ाएंगे जब तक होने वाला नहीं है। होने वाला नहीं है जी। एक्चुअली गरीब आदमी गरीब इसलिए रह जाता है क्योंकि उसको बड़ा सोचने में डर लगता है, और अमीर आदमी अमीर इसलिए होते जाता है क्योंकि वो और पैसा कमाने का धंधा सोचना शुरू करता है। यस। और दुनिया में हर चीज हासिल कर सकते हैं जी, बशर्ते हम कोशिश करें तब तब। थैंक यू सो मच। आप अपना व्यू देने के लिए प्लीज गिव ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। जोरदार तालियां इनके लिए। अब चलते हैं हम आगे। चले सबसे पहले डॉक्टर लिम के लिए जोरदार तालियां। अवर ग्रेट फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ डीएक्सन गौतम डॉक्टर लिम सोजिल। दिस इज द ये एक बहुत ही अभी के समय मानव नहीं महामानव है। इन्होंने आईआईटी खड़गपुर से पढ़ाई करने के बाद जो बेस्ट वक्त में पढ़ता है उन्होंने एक साइंटिफिक रिसर्च करके गैनोडर्मा के ऊपर 10 साल रिसर्च करके उन्होंने गैनोडर्मा को जाना समझा तब पता चला ये दुनिया की सबसे ताकतवर जड़ी बूटी में से एक है, और उसके बाद दुनिया को लेकर के आए। गैनोडर्मा दुनिया की सबसे ताकतवर जड़ी बूटी है और ये पूरा सुरक्षित भी है, पूरा सुरक्षित है। और हमारे इन सभी क्या हो गया प्रोफेसर के एन वासु प्रोफेसर डॉक्टर रत्ना मैम के लिए जोरदार तालियां। प्रोफेसर सर की बात करें तो एमए एमफिल प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमी एचओडी हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स मद्रास यूनिवर्सिटी डबल गोल्ड मेडलिस्ट। ये यूजीसी सैलरी था इनका आज से लगभग 23 साल पहले। ये यूजीसी सैलरी इनका 1 लाख से ज्यादा था, अभी का अगर आप देखेंगे तो 23 साल पीछे 1 लाख अभी के 23 लाख के बराबर है। डॉक्टर रत्ना मैम सीजे प्रेस्टीजियस गायनोकोलॉजिस्ट, यह एक सुप्रसिद्ध भारत की सुप्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ है। चेन्नई में इनका हॉस्पिटल था, बहुत खूबसूरत हॉस्पिटल था, बहुत अच्छा रनिंग हॉस्पिटल था, हाई क्वालिफाइड ये डॉक्टर्स हैं। इन्होंने अमेरिका से अपनी डिग्री ली है, और मैडम ने हॉस्पिटल को बंद किया, प्रोफेसर सर ने बीआरएस लेकर यानी बीआरएस वॉलेंट्री रिटायर लेकर के इन्होंने 2000 में दोनों मिलकर के डीएक्शन की शुरुआत किया, और साथ में को फाउंडर ऑफ डीएक्शन इंडिया डॉक्टर एस रंजन सर, ही इज द पर्सनल फिजिशियन ऑफ मेनी फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये जो हैं भारत के कई राष्ट्रपति के पर्सनल डॉक्टर रह चुके। राष्ट्रपति का डॉक्टर कोई आम हो सकता है? राष्ट्रपति मालूम है कौन होता है? कौन? भारत का पहला नागरिक। राष्ट्रपति भारत का क्या होता है? पहला नागरिक होता है, और उनका ये राष्ट्रपति रह चुके हैं। मौका जरूर मिलेगा, ये कभी कभी आते हैं बिहार में। और इन लोगों के द्वारा डीएक्सन को शुरुआत हुआ। डीएक्सन इकलौता डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसके बनाने वाले एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है, रिसर्चर है, वैज्ञानिक है। दुनिया में कोई ऐसे डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां नहीं है जिसको बनाने वाले एक साइंटिस्ट है, रिसर्चर है। शुरुआत करने वाले आप सोच सकते हैं
प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, सीज प्रेस्टीजियस गायनोकोलॉजिस्ट, और ये भारत के कई राष्ट्रपतियों का पर्सनल डॉक्टर, और ये हम सभी के मेंटर, गुरु माता पिता, धर्मशिला मैम और सुरेंद्र सर के लिए जोरदार ताली। ये एक बहुत ही, इनका बहुत कपड़े का दुकान, सिनेमा हॉल, आइसक्रीम की फैक्ट्री, ये शुरू से ही इन्होंने बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट थे। और जब डीएक्सन समझ में आया तो आज से लगभग 10-11 साल पहले इन्होंने वो सारे बिजनेस को बंद करके डीएक्सन की शुरुआत किया। बिहार शरीफ से कोई नहीं जानता था डीएक्सन के बारे में, फिर आज मार्गदर्शन से और ये बिजनेस को वहां पे शुरुआत करने से आज हजारों लाखों लोगों की जिंदगियां में बदलाव आया है। एक ऑर्डिनरी आदमी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गया है, एक आम आदमी खास आदमी बन गया है। मेरे जैसा एक लड़का जिस उम्र में पढ़ाई करने के बारे में, तैयारी करने के बारे में सोचता है, उस उम्र में हम ऑलरेडी रिटायरमेंट ले चुके हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं जितना लोग 50 साल तक काम करके नौकरी में पैसा कमाता है, उससे ज्यादा पैसा हम 5 साल में डीएक्सन में कमा करके जमा कर दिया। अगर नहीं तो आपको बता दूं, अगर कोई नौकरी करने वाला है, गवर्नमेंट नौकरी करता है या पब्लिक सेक्टर में नौकरी करता है, 50 लाख उसकी सैलरी है, एक साल में कितना हुआ, कितना हुआ, 50,000 उसका तनख्वाह है, 50,000 रुपये महीना, तो एक साल में कितना कमाया, 6 लाख। 20 साल से ज्यादा किसी की नौकरियां होता है तो 20 साल में कितना कमाया, 20 × 6 1,20,00,000। कब तक, जब रिटायरमेंट हो गया, हाथ झुलझल गया, कितना कमाया, 1,20,00,000। मैंने अभी तक डीएक्सन में 2,00,00,000 कमाया है। कौन फायदा में, फायदा में कौन है, फायदा हम है ना। मेरा 11 दोस्त जो मेरे साथ पढ़ता था, आईआईटी से इंजीनियर है, अलग अलग स्ट्रीम्स, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे जैसे बड़े बड़े प्रतिष्ठान से, कोई ऑटोमोबाइल इंजीनियर है, कोई आईटी में है, कोई सिविल इंजीनियर है, कोई इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर है, सबकी सैलरी 50,000 और 60,000 के बीच में है। हम 5-6 इंजीनियर की सैलरी के बराबर अकेले कमाते हैं। ड्यूटी क्या करते हैं, खाली आप लोगों के जगह पर थोड़ा सा पसीना बहा देते हैं, कहीं भी कभी कभी, कब कब, कभी कभी, ऐसा में क्या करें हम, जिधर जाते हैं भीड़ उमड़ ये जाता है, भारी फेरा हम फंस जाते हैं, आप लोग आ जाते हैं, जगह कुछ हजार लोगों का है, 6,000 से ज्यादा लोगों ने टिकट्स बुक किया, 7-8,000 टिकट्स, कहाँ बैठेंगे समझ में नहीं आ रहा। इसके हम पहले बिहटा में थे, सेम, उसके बाद हम शेखपुरा में थे, गजब जगह नहीं। अगर किसी का, अगर किसी का कान का एक झुमका भी गिर जाएगा तो मिलना मुश्किल है, किसी का चप्पल में सट के हो सकता चल जाएगा, कोई भी जगह, पैर तो पसारने का जगह नहीं है। एक बार जो जिस एंगल में ले लिए हैं, हाँ वो, फिर उसके बाद बेगूसराय पहुंचे, ऐसी तब है,
आज तो कहना नहीं नहीं है, आप सबसे ज्यादा बढ़िया जगह पर पकड़ा है। कोई बात नहीं है, याद रखिएगा आप लोग भी, इतना में से हमें मालूम है सबकी जिंदगियां नहीं बदलेगा, लेकिन अगर एक लोगों का भी जिंदगियां बदल गया ये पसीना बहाने से, तो आने का मेरा मिशन संभव हो गया। क्योंकि इसी में से कुछ लोग होंगे जो हो सकता है बाहर में कहे जाएंगे, टिकट तो ले लिया है, व्यवस्था त्यवस्था कौजी कहते हैं, चाय पत्ता है, खाली बुला लिया है, कौजी लिया है, जेबी में 5 रुपया नहीं है, लंबा लंबा बात करेगा, उसको पता नहीं है उससे ज्यादा VVIP हम हैं, जने जाते जने 10-20 हजार चलता है, वो 1.5 टन के एसी में ना सूखता है, हम 20 टन के एसी में सूखते हैं, घर में लगा हुआ है, तेजी बतियाता है, वो एक कार ना खरीदा हुआ है, मेरे पास 2-2 कार है, दो कार तो दूर है, हमरा से ज्यादा ज्यादा महंगा आदमी भोमन सब अनपढ़वा को खरीदवा दिए। दम है उसमें अगर, तो कोई अनपढ़ आदमी के ज्यादा बुद्धि वाला है तो कोई अनपढ़ आदमी को 1 लाख रुपया कमाने के लिए सिखा दे तो जाने, अपन तो ठिकाने नहीं है, अब बुद्धिमान बनता है। अच्छा ये बताइए, आपके साथ हमको गर्मी लग रहा है कि नहीं? आ? आप टिकट कटा के आए, हम बिना टिकट के हैं, आपका 50 रुपया लगा है और मेरा 2000 के तेल आने में लगा है, कम है कि ज्यादा है? तो सर टिकट बात एक आदमी बोल रहा था ना, लगता है इतना आदमी है तो 1 करोड़ आया होगा, कितना कैलकुलेशन होकर कमजोर है, महामूर्ख आदमी। 1000 रुपये टिकट है, जोड़ हिसाब कर ले, 1 करोड़ में 50 से भागा दे दे, कितना हजार आदमी होगा? आ? कितना आदमी होगा? 2 लाख कि 20 लाख? 20 लाख आदमी है, जा 20 लाख नहीं, चलो 20 हजार है यहाँ पे, कितना वो फेक है, आ कितना लेग उसको लपेट भी लेगा, हाँ हाँ ये होगा, अस्थिर रहो ना, 20 लाख भी आदमी को दिखाते हैं, गांधी मैदान का प्लान करते हैं, अस्थिर रहो, अब कोई बचबे नहीं किया, जगह भी नहीं, तो हम की करें, अब शिफ्ट में चलेगा, जैसे फिल्म पहले चलता था मोना में, एलिफिर कौन कौन में, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 400, कितना 100, 9 से 12 में टिकट लिए तो 9 से 12 में, 12 से 3 लिए तो 12 से 3 में, की करेगा आदमी, जगह बस तलार दे, तलारते तलारते पहुंच गया 4 लेन वहां पे, अब आ रोड पार कर दे तो गाड़ी करने जाएगा, हम आए शुरू में 9:30, आप लोग जब सवेरे आए हैं ना तो हम भी 9:30 बजे एकदम पक्का आ रहे, टाइम के एकदम पक्का आदमी है, समझे? तो बोले आए सर आपका तो सीट बाई सू रिजर्व है, 10 बजे आते तो कोई दिक्कत नहीं है, तो काहल आप भी कर लीजिए, जैसे वो बोल रहे हैं हम आपके जैसा बनना चाहते हैं, तो कभी कभी हमरो जैसा ही 1 लाख आया ना कितना आदमी के, तब ओकर कालर उलर देखिए टेढ़ा कितना होवे लगेगा, बाप रे बड़ी चिलचिलाहट है, 50 हजार के नौकरी गांव में लग जाता है ना, लगता है सबसे बड़ा वो बिल गेट्स के बाबा बाप, बैठना उठना अब आदमी के सामने। अच्छा ये बताइए, मेरा कहीं पे रोड पे अगर हमको देखे ये कह सकता है 3-3.5 लाख के महीना कमाता है? हम गाड़ी में बैठे रहते हैं, कभी कभी पुलिस वाला चेक करता है, बोला RC दीजिए, RC दिए,
बोले किसके नाम से गाड़ी है? बोला पिताजी के नाम से। बोले ना हमारे नाम से। बोला यार बोलने सही से केड़िया कह रहा है। तो हम बोलिए आपका गलत फहमी हो रहा है, हमर नाम से है तो हमर ने कहे तो हम बाबू जी का नाम ले ले। ये तो नाम कभी कभी मूर्ख आदमी मिलता है बहुत लगता है, इतना छोटा आदमी इतना। मेरा जब इनकम टैक्स फाइल होता है, मेरा जब अकाउंट का ऑडिट होता है, अकाउंट का जब ऑडिट होता है देखता है, इस बार जब ऑडिट हुआ मेरा खाता 22 का, एक साल का इनकम है मेरा 40 लाख। मेरा सीए जो है ना पटने का है, रोहित कुमार, पता कर लीजिएगा, एड्रेसो दे देंगे पूछिएगा तो, फाइन नंबर भी बता देंगे, DDQWPK7642K, जाइए पता करिए। देखिए तो सर ये पैन नंबर पर ऐसा ही भांज रहा था कि सही है, पैन नंबर एक ऐसा चीज है, नहीं तो बोले ना दिखा देते हैं ऊपर के में, दिखा दें रियल है मेरे पास। जिस जो कहता है डीएक्शन में पैसा नहीं आता है, ओकरा हमरा से भिराना, आकर ओकर एगो फीज नहीं उड़ गया बाया साइड वाला तो बेकार है। कभी कभी पगला जाए तू हो बेकार है, मतलब हो सकता गड़बड़ा जाएगा। 4000 के नौकरी के लिए खोज रहा है, एक बार की देख लेगा। अच्छा आप ही बताइए क्या होगा, गड़बड़ाएगा कि नहीं गड़बड़ाएगा? हम जेसीडी से मीटिंग करके आ रहे थे, एक पेट्रोल पंप पे तेल लिए, बोले भर दो टंकी, काहे बोले भर टंकी, तो झारखंड में 4-5 रुपया कम है तेल का दाम, कौची है 4-5 रुपया काहे छोड़ दे। ऐसी बात है कि नहीं है? हर तो टंकी बोले क्या करते हैं? हम बोले वही करते हैं आप लोग जैसा तेल भरने वाला आदमी को जिंदगी बदल देते हैं। तो बोलो आप क्या बोल रहे हैं? हम बोले आप जो ही सुन रहे हैं। फिर बताइए ना, हम बोले जिंदगी बदलना चाहते हैं या जिंदगी भर पेट्रोल पंप पर तेल भरिएगा? तो बोले कौन 50,000 कमाना है? कौन नहीं कमाना चाहता? बोले मिलता कितना है, कितना घंटा ड्यूटी? 12 घंटा। कितना मिलता है? 12,000। बोले 12,000 चाहिए या 1,00,000 चाहिए? बोला चाहिए तो 1,00,000 के नहीं लेगा। लेकिन हम बोले बस आपको सप्ताह अभी तेले भरना है, लेकिन आपको अभी सप्ताह में 2 दिन या सप्ताह में 1 दिन, हर शनिवार को मीटिंग होता है वहां पर जाइएगा, यहाँ मीटिंग मेरा होता है आइएगा, बड़ी मुश्किल है। तो हम बोले तेले भरते रह जब तो छुट्टी नहीं है, जिंदगी भर मुश्किल में रखो। यहाँ पर भी एक उतना लोग है मेरे जैसा जो पढ़ने लिखने वाला मिलेगा, सर की बताबे चिजबा तो बड़ी बढ़िया है लेकिन स्टूडेंट ने है कौची है पढ़े में डिस्टर्ब होगा, कौची होगा डिस्टर्ब होगा, जखने गांधी मैदान पार्क में घूमता है तब क्यों होता है, रेस्टोरेंट में जाकर के छाछ पीता है लस्सी, घंटों फोन पर बतियाता है, खाते खाते तू पढ़ते पढ़ते खा सकता है, नहा सकता है, सो सकता है, मन किया कभी तो सिगरेट भी पी सकता है, तो तू खाते खाते तू डिएक्शन कहा नहीं कर सकता है? पढ़ते 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 व्हाट्सएप चला सकता है, इंस्टाग्राम चला सकता है, पबजी में मार डेंगाओ करते रहेगा, ये कहा नहीं कर सकता है? हम ही एगो ऐसा आदमी है, हमारा आज तक पबजी में नहीं समझ में आया, अब एगो पबजी एगो फ्री फायर, हमारा भगना है वो फ्री फायर के मास्टर माहिर है, हम लाइए ना ऑनलाइन सिखाते हैं, हम बोले तो अपन बुद्धि अपने पास है। हम बोले अपने हमेशा फायर रहते हैं, हमर चक्कर में पकड़ाएगा तो एक आवर तू फायर हो जाएगा।
तो आप से नहीं ना कहिएगा कि सर पढ़ते हैं डिस्टर्ब होगा, पढ़ते पढ़ते ब्यूटी पार्लर है, ब्यूटा पार्लर जा सकता है, पढ़ते पढ़ते तू डिएक्शन क्यों नहीं कर सकता, व्हाट इज द प्रॉब्लम? पढ़ते पढ़ते एक दिन 250 के टिकट कटा करके छपाक में छपाक से कूद जाएगा। इसमें भी सप्ताह में एक दिन कूदो, चाहा तो सब है मेरे जैसा बनना। देखिए दुनिया में एक ऐसा रोग है ना, सबसे ज्यादा गरीबी गरीब होवे के सबसे बड़ा कारण है। जे जे आदमी उस सिम्टम से अगर ग्रसित हो गया है, समझ जाइए ओकरा एक इंची भी ग्रोथ, अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सक्यूज जाइटिस और हिंदी में बोलते हैं बहानाइटिस। कौन बीमारी है? अभी मेनजाइटिस सुने थे, हेपेटाइटिस सुने थे, अभी कौन में बहानाइटिस है? हाँ कौन बीमारी? गैनोडर्मो अकरा पर फेल है, वो फेल है। फोन किया, कहाँ है? आ रहे हैं टेम्पुआ पर, वही चल रहे, पहुंच रहे हैं मीटिंग में आज तुरंत। अब आया हुआ बोले की बतावे सर, टेम्पुआ पर तो बैठिए गए, मीठापुर से निकले, जैसे ही बड़ी जाम लगल था, नहीं एक इंची एन्ने होबे ना एक इंची, और अब पते नहीं हमारे सामने रोड है चल रहा। अब घर से निकला उकला नहीं था, बोले तो हाँ सर की बतावे, निकले थे तो लेकिन बकरियों के पतला लाइटिंग होबे लग गया। एक से एक। चलिए हम उस मुद्दा पे नहीं चलेंगे, आज हम समय लेंगे बहुत कम, ये आगे नहीं बढ़ सकता है। इनमें आगे गरमाएंगे तो हम ही गरमा जाएंगे। अच्छा आप लोग बताइए, स्वच्छ रहना चाहते हैं? पैसा वाला आदमी बनना चाहते हैं? लेकिन हम आपको बता दें, यहां पे बैठे हुए जितने हजार लोग हैं, ये ध्यान में रखिएगा।